भिखारी था ना, वो जरूर मरेगा। ए, तूने दोबारा उस लड़की को देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। कोई बात नहीं, उस दिन मैंने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी ना। पाउडर का खुराक भारी था ना, वो जरूर मरेगा। ज्यादा शराब पीना या दिमाग में गहरी चोट लगना, ये तीन कारण हैं जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है। आपका बेटा इन्हीं कारणों की वजह से कोमा में चला गया है। क्या बात कर रहे हो, क्या तुमने उसे सचमुच में मार डाला? नहीं, वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो मर गया है ना? हाँ, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसके साथ तुम कुछ भी करो लेकिन दूसरों को छोड़ दो, किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? सस्पेंशन के बाद कॉलेज में रहना इलीगल है, इस हादसे के लिए हमको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए छुट्टियां कब से शुरू हो रही है? 5 दिनों में सर, 3 मार्च से। उसी रात को सब लड़कों को बोलो हॉस्टल खाली कर दें और उसे सख्ती से इम्प्लीमेंट करो। उन्हें दूसरे राज्यों के छात्रों के साथ परीक्षा के दिन आने को कहो। तुम्हें पता है, अगर लड़का मर जाता है तो हमें काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वीपी ने हमें हॉस्टल खाली करने के लिए कहा है, अब तुम कहाँ जाओगे? चलो चलते हैं। पिताजी चलो निकलते हैं, बाद में लेंगे। उसके 1 हफ्ते बाद उसकी बहन की शादी है, हमें साथ जाना है नमा। दिल उसका गिरना नहीं बल्कि उसके नशे की लत है, उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। क्यों आप लोगों को नशे की आदत लग गई? अपनी जिंदगी तो खराब की, साथ ही घर वालों की जिंदगी को भी नरक बना दी। Thank you.
था सर? किसने मंगाया था? कॉल आया था सर। कौन किया? किसी और रूम में मंगाया होगा। बोला था मत कर मत कर, धंधे की वाट लग जाएगी। बोला था आराम से। कौन सा रूम खाली है? वो वाला। ये रूम हाँ। खाली है। ओ भाई, अब जिंदगी भर भागते रहो या छुपते रहो, दो दिन में सब सही हो जाएगा भाभी। चुप। अब इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अंदर लेके जा इसको। चलो भाई आ जाओ। आज कोई भी रूम भाड़े पर नहीं देने का, किसी का भी फोन नहीं उठाने का। ठीक है। वो छोकरा लोग बस, और डॉक्टर किधर है? हाँ, अब आप लेट जाओ भाई। उधर इधर? जी मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। हाँ भाई, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? भाई सुनो ना, बताओ शिवा कहाँ है? बोलो कहाँ है शिवा? उसका मोबाइल स्विच ऑफ। भाई अपना शिवा अब नहीं रहा। ए, ये तो क्या कह रहा है डॉक्टर साहब? हाँ। शिवा हमें छोड़ के चला गया भाई। जी, क्या शिवा को मारते हुए तूने देखा क्या? हाँ भाई, हमें छोड़ के चला गया शिवा, मेरा दोस्त चला गया भाई, मैं अकेला हो गया भाई। मैं कल ही आता हूँ, तब तक तुम अपने अपने भाई शंकर को संभालना, समझा क्या? समझ गया? ए? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं कल जाता हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हा? मैंने पहले ही कहा था कि मत जाओ। कितनी बार रोका उसे पर वो माना ही नहीं।
साहब सब फोन है, सब फोन। हाँ बोलो। साल हो चुके हैं मुझे चैन की नींद सोए हुए। मुझे हर पल हमेशा मेरे बहन की रोने की आवाज ही सुनाई देती है। उसने मेरे सामने ही कसम खाई थी। कैसी कसम पता है? तुझसे और तेरे बच्चों से वो कभी नहीं मिलेगी, और उसने अपनी कसम पूरी भी की। लेकिन तुझसे शादी करवाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं भुगत रहा हूँ। आज के इस दिन का बहुत इंतजार किया है मैंने। कहते हैं अगर सच्चे दिल से चाहो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है, और आज वो दिन आ ही गया है जब मैं तुझे अपने हाथों से सजा दूंगा। Oh,